सलाम, मैं हूँ एहसान और स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, गीजर, किचन चिमनी जैसे अप्लायंसों में यदि कोई भी अप्लायंस आपके यहाँ है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इन सभी अप्लायंसों का सर्विस प्रोवाइड करते हैं और इन सभी में आने वाले खराबियों की वजह से किस स्पेयर पार्ट्स को चेंज किया जाता है और उस स्पेयर पार्ट्स का एक्चुअल में क्या प्राइस है, ये चीज़ हम अपने ब्लॉग के माध्यम से शेयर करते रहते हैं। तो इससे आपको ये फायदा होगा कि आप इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर रहेंगे, ताकि आपके यहाँ आपके अप्लायंस में यदि भविष्य में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपसे कोई मूर्ख बनाकर ज़्यादा पैसे न ठग पाए। इस वजह से आप हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी हमारे पास जो कंप्लेन है वो दो कंप्लेन है और दो एसी का ही। ये कंप्लेन जो है पिपरा, पिपरा हमारे होम टाउन सुपौल से लगभग 20 किलोमीटर दूर है, तो अभी हम वहीं जाएंगे और बारी बारी से दोनों कंप्लेन को अटेंड करेंगे और देखेंगे क्या दिक्कत है उसमें। और दूसरा एसी जो इंस्टॉल करना है वो कहाँ इंस्टॉल होगा, तो कौन सा एसी है, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग। मेरे पास जो कंप्लेन आया तो हमको लगा कि ये एलजी का एसी होगा, लेकिन ये सैमसंग का एसी है और इसमें जो है पहले कोई गैस चार्जिंग कर चुका है और फिर से ये कूलिंग जो है नहीं कर रहा है। दूसरा इनके यहाँ एलजी का एसी है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस जब उसके लिए आए थे तो बोला कि उसको नहीं कीजिएगा तो कम से कम इनको कर दीजिए और इनका सर्विसिंग करना है। तो मेरे पास मशीन नहीं है तो हम नॉर्मल इसका वेट सर्विस करेंगे। पहले एसी को हम चालू कर लिए हैं ताकि इनको चेक कर सकें, इनका कूलिंग चेक करें कि कूलिंग हो रहा है या नहीं। कूलिंग तो हो रहा था लेकिन जब डस्ट देखिए इसमें डस्ट कितना है, जब इनका पैनल को खोले हम तो रिश्ते घर में रहकर सुलझाए जाते हैं, ऑफिस में तो सिर्फ व्यापार होता है। तो इंडोर का जो सर्विस करके इनका पैनल लगा दिया। यहाँ पिपरा में जो हम आए हुए थे एसी चेक करने के लिए जहाँ कूलिंग इशू था, तो हमको लगा कि एलजी का है लेकिन उनका सैमसंग का था, तो इनको जो है कोई इसमें काम किया है तो वो 6 महीने का वारंटी दिए हुआ था और पिछले बार इसका गैस चार्जिंग हुआ 6 महीने का वारंटी दिए हुआ था, इसका वारंटी में है जो किया है इनका काम उनके पास, वो जो कॉल नहीं उठा रहे, तो उसके बाद हम इस एसी को छोड़ दिया। दूसरा इनके पास एलजी का था तो वो इनका जो सर्विस कर दिया और उनके बाद अब जा रहे हैं इंस्टॉलेशन पर। ये महेशपुर पहुँचते पहले कस्टमर के यहाँ, महेशपुर हम कस्टमर के यहाँ पहुँच चुके हैं और यही जो यूनिट देख रहे हैं यही है, ये 3 स्टार हैं और इनको जो लगना है इस दीवार पे ही लगना है। ये लगाने के लिए दूसरी तरफ कह रहे थे तो लेकिन हम इनको सुझाव दिए कि उधर मत लगाइए, बाद में पछताना होगा। तो इंडोर यूनिट को ले जा कर रख लिए हैं, बस अब जो लाइट भाग गया है तो हम सोचते हैं कि आउटडोर यूनिट को जब तक छत पर पहुँचा देते हैं। ये 3 स्टार लेटेस्ट 2022 का मॉडल है और इसका ऐसा रेटिंग जो है 3.70 है। अभी हम इंडोर और आउटडोर का दोनों का अनबॉक्सिंग कर दिया और आउटडोर ला करके छत पे रख दिए, छते पे रखाएगा और ड्रिल का सारा सेटअप कर दिए हैं, लाइटें भाग गया है, अब लाइट का वेट कर रहे हैं, आएगा तो लगाएंगे। वेट करते करते लगभग 1 घंटा हो गया है, अभी तक लाइट नहीं आया, अब जाने कब लाइट आएगा, अब देखते हैं। आधा घंटा और वेट करेंगे उनके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे दूसरे कंप्लेन पे। तो लाइट जो है आ गया था बस, तो हम जल्दी जल्दी हॉल कर लिए और प्लेट जो है ठोक लिए। ये 5 इंची का दीवार है इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ हमको हॉल करने में। यहाँ 20 से देखिएगा तो सेंटर तो इंडोर यूनिट जो इंस्टॉल हो गया है और इनका जो पाइप बाहर निकल चुका है, अब वहाँ जा कर के हमको पाइप ज्वाइंट करना होगा, आउटडोर जो है बस छत पे ही रखा है। तो हम पाइपिंग भी कर दिए हैं और इनको जो है कस भी दिए हैं आउटडोर यूनिट को जो है पाइपिंग से, और देखिए पूरा चिपका के लेना पड़ा है क्योंकि दूसरे का ज़मीन है तो दिक्कत हो जाएगा ना फिर बाद में अगर कोई एक्शन ले। तो हमारा सारा टोटल काम कंप्लीट हो गया, लास्ट में अब इनका हम गैस जो है खोलेंगे। देखिए डिस्चार्ज वाले को पहले खोलना है और सक्शन वाले इसको जो है
पिन को दबाए रखना है थोड़ा देर के लिए ताकि उसका हवा निकल जाए पाइप का। तो एसी जो स्टार्ट हो चुका है और कूलिंग भी अच्छा फेंक रहा है, कंप्रेसर इनका चालू हो गया है। तो ये महेशपुर में जो हमारा इंस्टॉलेशन का काम कंप्लीट हो गया, बहुत ज्यादा वेट करना पड़ा हमको यहाँ पे, लगभग 1 से 1.5 घंटा वेट कर लिए हम, तब जाके लाइट आया तो जाके हम हॉल किए और उनके बाद एसी फिट कर दिए। तो एसी जो है फिट कर दिया है, पूरा फर्स्ट क्लास एसी चल रहा है, ठंडा कर रहा है। अब हम रिटर्न पिपरा जा रहे हैं, पिपरा में एक फ्रिज है, जाकर देखते हैं फ्रिज में क्या दिक्कत है। ऐसे हम पूछे नहीं कि क्या प्रॉब्लम है उसमें, तो हम पहले कस्टमर के यहाँ पहुँचते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या दिक्कत है उस फ्रिज में। कस्टमर के यहाँ पहुँच गए हैं और ये देखिए, यही डबल डोर का फ्रिज है और ये कह रहे हैं कि ऊपर वाला हिस्सा कूलिंग करता है इनका, नीचे वाला नहीं करता। ये 4 स्टार है, ऐसा रेटिंग 3.79 है और ये 2014 में परचेज किए हैं इसको। तो ऊपर वाला हिस्सा कूलिंग करना और नीचे वाला हिस्सा नहीं कूलिंग करना का जो है रीज़न होता है कि या तो टाइमर या बायोमेटल ख़राब होता है, या दोनों ही ख़राब होता है। तो टाइमर हमारा यहाँ इस बॉक्स में लगा हुआ है, ये जो साइड में है, और बायोमेटल जो अंदर रहता है। इनके टाइमर वाले बॉक्स को हम खोलते हैं, खोल के देखेंगे इनको। तो ये इनका टाइमर है, टाइमर ऐसा ही होता है। इनका जो कुछ मॉडल सीरियल यहाँ लिखा हुआ है, जो भी इनका कैपेसिटी है। ये कूलिंग कॉइल में बर्फ जमा हुआ है और इनका बायोमेटल जो है यहाँ है, ये वाला। इनको हम बाहर ही निकाल लेते हैं खोल करके। तो इस टाइप का होता है बायोमेटल, यही ख़राब होता है ज़्यादातर। टाइमर जो कम सम ख़राब होता है, ज़्यादातर यही ख़राब होता है। ये जो इंसेंस करके है वो टाइमर को जो है ना बताते रहता है कि कब डिफ्रोस्ट को चालू करना है, बंद करना है। अभी हम फिलहाल इनको ऐसा ही लगा देंगे, क्योंकि अभी मेरे पास ना टाइमर है ना बायोमेटल, तो कल ला करके लगेगा इसमें। तो अभी हम जैसे था वैसे इसको पैक कर दे रहे हैं। फ्रिज जो हम चेक कर लिए, डबल डोर फ्रिज था जैसा कि देखे आप, और इनमें ऊपर जो है बेहतरीन कूलिंग कर रहा है, जबकि नीचे में जो है, नीचे वाला पार्ट उसका कूलिंग नहीं कर रहा है। तो इनका कारण जो दो पार्ट खराब होने का होता है, एक टाइमर और एक बायोमेटल होता है इसमें। तो टाइमर का जो प्राइस पड़ता है, आप अगर लोकल से खरीदते हैं रिटेल शॉप से, तो लगभग 350-400 रुपये का आता है वो। और आपको आपसे जो है टेक्नीशियन लगभग 800 या 1000 रुपये तक ले सकता है, और बायोमेटल जो होता है वो 150-200 रुपये तक का आता है, जिसका जो आपका टेक्नीशियन 500-600 कितना रुपया तक ले सकता है। तो ये दोनों चीज़ उसमें ख़राब था, और अब वो मेरे साथ था नहीं, मेरे पास था नहीं, जो उसको हम चेंज कर देते हैं उसी टाइम पे। तो अब कल लेकर के जाएंगे और उसको चेंज करेंगे। और अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं ये किशनपुर, वहाँ एक एसी कह रहे हैं कि कूलिंग नहीं कर रहा है, और उनको सर्विस भी कराना है उनका, इसलिए हम जो उससे बात कर लिए और टाइम दे दिए। तो अभी हम किशनपुर पहुंच रहे कस्टमर से, और वहां जाकर के दिखाते हैं आपको। कस्टमर के यहाँ आ चुके हैं और मोबाइल को जैसे स्टैंड पे रख दिए हैं, साइड में छोटा सा स्टैंड है। पहले इनके हम पैनल को खोलेंगे, उनके बाद जो है देखेंगे क्या दिक्कत है। दिक्कत तो वही है कि कूलिंग नहीं कर रहा, लेकिन कहाँ से लीकेजिंग है जो पता नहीं चल पा रहा है, कहाँ से बाहर से हम देखे लीकेज नहीं है। इसके जो है लेफ्ट साइड से ज़्यादातर लीक होता है, तो देखते हैं इनमें लीक है या नहीं। लीकेज होने का जो है ना हमको कहीं भी संदेह नहीं लग रहा है, लेकिन हम मोबाइल का टॉर्च जला जला के एकदम बारीकी से देख रहे हैं, तो लीकेज का कोई हमको एक भी निशान नहीं मिल रहा है। पता नहीं लीक है तो है कहाँ से। अब इसमें जो हमारा लास्ट ऑप्शन रहेगा कि इसमें प्रेशर होल्ड करेंगे और उनके बाद जो है 24 घंटा छोड़ना होगा। तो अब बस इनको हम यहाँ क्लोज करेंगे इस मीटर को, और प्रेशर मशीन लाएंगे तभी जो है ये ठीक हो पाएगा,
इनका लीकेज फाइंड करके फिर गैस डालना होगा।